मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इसराइल की हिमायत कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को मस्जिद का दौरा करने से रोक दिया गया। नमाजियों की इसराइल नवाज पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन का कहना था कि वजीर आजम को खुलकर इसराइल की मजम्मत करनी चाहिए थी। अलहली अस्पताल पर हमला इसराइल ने नहीं किया, कैनेडियन हुक्काम का दावा। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि कैनेडा की फौज ने सूरत हाल का आजादाना जायजा लिया है। कैनेडा के इत्तेहादियों की रिपोर्टिंग नतायज की तस्दीक करती है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke wazir e difa Bill Blair ne kaha hai ki Canada ki fauj ke azadana jaize ke baad Canada ko pukhta yakeen hai ki Israel ne Gaza shahar ke Al-Ahli aspatal par hamla nahi kiya. Mazid tafseelat is report mein. कनाडा के वजीर दिफा बिल ब्लेयर ने कहा है कि कनाडा की फौज के आजादाना जायजे के बाद कनाडा को पुख्ता यकीन है कि इसराइल ने गजा शहर के अलाहली अस्पताल पर हमला नहीं किया, जबकि गजा के तमाम अस्पतालों को इसराइल की तरफ से एक इंतबाह मौसूल हुआ है कि अगर उन्हें खाली ना किया गया तो वो बगैर वक्त ज़ाया किए उन पर बमबारी कर देंगे। बिल ब्लेयर के बयान में कहा गया है कि कनाडा का ख्याल है कि ज्यादा इम्कानी मंजर यह है कि हमला गजा की पट्टी से फायर किए गए गलत रॉकेट की वजह से हुआ था। फलस्तीनी हुक्काम ने बताया कि अस्पताल में होने वाले धमाके में 471 अफराद हलाक हुए। एक इजरायली अहलकार ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये कई दर्जन है। कनाडा की तरफ से ये ऐलान अमरीका के इस बयान के चंद दिन बाद आया, जब उसके अपने जायजे में दावा किया कि अस्पताल में होने वाले धमाके का इसराइल जिम्मेदार नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल के दौरे के दौरान कहा कि उन्हें यकीन है कि दूसरी टीम जिम्मेदारी उठाएगी। जुमेरात को इस मामले पर कनाडा का मौका फराहम करने के लिए दबाव का सामना करते हुए वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत तमाम जरूरी इकदाम कर रही है ताकि जो कुछ हुआ उसकी अपनी समझ पैदा कर सके। बिल ब्लेयर के बयान में कहा गया है कि कैनेडियन फोर्सेस की इंटेलिजेंस कमांड ने वजीर आजम की दरख्वास्त पर अपना जायजा और तजिया किया। महकमा कौमी दिफा के एक बयान में कहा गया है कि यह तजिया ओपन सोर्स और खुफिया रिपोर्टिंग पर मबनी था। महकमा दिफा ने मजीद कहा कि कैनेडा के इत्तेहादियों की रिपोर्टिंग नतायज की तस्दीक करती है। अमरीका के अलावा फ्रांस ने भी इस हफ्ते के शुरू में कहा था कि अस्पताल में होने वाला धमाका इजरायली फौजी हमले का नतीजा नहीं था। ब्लेयर ने वादा किया कि हुकूमत नई मालूमात के दस्तयाब होते ही अपडेट फराहम करती रहेगी और धमाके में अपने प्यारों को खोने वाले तमाम लोगों के लिए कनाडा की मुखलिसाना ताजियत का अदा किया।